तेरे हंसते और मुस्कुराते चेहरे की रंगत बनावटी है, पर अगर गौर से देखूं तो तेरे इस दिल का दर्द साफ दिखाई देता है। दूसरों की खुशी के लिए कैसे सब कुछ सह लेती है यार, ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी परी एक दिन इतनी स्ट्रांग बन जाएगी। परिणीति सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई जैसा कि आपको पता ही था कि नीति जो है किसी और से शादी करना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो तो राजीव से प्यार करती है और राजीव के अलावा वो किसी और से शादी कर ही नहीं सकती। तो यहाँ पर वो एक नई प्लानिंग बनाती है और यहाँ पर नीति जो है अपने प्लान में अच्छे तरीके से बिल्कुल पास हो जाती है। और इसी बीच यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई नीति जो है ऋषभ से पीछा छुड़ाने के लिए प्रेग्नेंट होने का पहले तो हमें लग रहा था कि नाटक कर रही है, लेकिन भाई असर है जिसके पास तेरी जैसी दोस्त हो वो तो हर दर्द से लड़ जाएगा। थैंक यू नीति, थैंक यू सो मच। अगर तू मेरे पास नहीं होती ना बिल्कुल भी नहीं है। नीति मैडम यहाँ पर सच में प्रेग्नेंट है, सारे सिम्टम्स भी एकदम प्रेग्नेंट औरत की तरह है और इस बार नीति जो है सच में प्रेग्नेंट है। तो वहीं आगे की कहानी में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई नीति जो है सभी घर वालों को अपने मुंह से बताती है कि जी हाँ ये ऋषभ की माँ जो कुछ भी कह रही है वो बिल्कुल सच है, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। और ये बात जैसे ही परी और सभी घर वालों को पता चलती है सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि मेरी खुशी के लिए, मेरे परिवार की खुशी के लिए जो कुछ भी कर रही है ना उसके लिए थैंक यू। एक तो तेरा थैंक यू, ये बार बार थैंक यू बोल के ना हमारी दोस्ती को छोटा मत कर प्लीज। और हाँ आप खुश रहना सीख, क्योंकि सिर्फ तेरी खुशी के लिए और इस घर की खुशी के लिए ही मैं इस बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। क्योंकि किसी को विश्वास नहीं होता कि नीति कुछ ऐसा भी कर सकती है। और इस बार घर वाले जो है नीति की इस हरकत पर काफी ज्यादा नाराज है और इस बार राजीव भी जो है नीति की इस हरकत पर काफी ज्यादा नाराज है और परी जैसे उसे डिफेंड करने लगती है। तो यहाँ पर राजीव इस बार परी की एक नहीं सुनने वाला। तो वही कहानी में एक अलग सा ड्रामा देखने को मिलने वाला है जहाँ पर हमें पता चलेगा कि भाई नीति के पेट में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं बल्कि राजीव का है। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या राजीव इस बार नीति के बच्चे के लिए क्या परी को छोड़ देगा या नहीं? आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।